हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं ट्रेडिशनल सांबर विथ सांबर मसाला पाउडर। तो आइए देखते हैं इस सांबर और सांबर मसाले के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सांबर मसाले के लिए मैंने लिया 1/4 कप खड़ा धनिया, उड़द दाल, चना दाल और रहर दाल, ये सब 2 स्पून है। हल्दी, सरसों, करिया पत्ती, मेथी 1/4 स्पून, जीरा 1 स्पून, सूखी लाल मिर्च, हींग, कुछ काली मिर्च और सूखा नारियल। सांबर मसाले के लिए अब हम देखते हैं सांबर के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये है सब्जियां, कुछ कटी हुई लौकी, मुनगा, प्याज को मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, भिंडी है, बैंगन है और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने काट लिया है। उसके बाद नींबू के साइज़ का इमली है जिसे भिगो लिया है, 1 कटोरी रहर दाल है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, तेल है, हींग है, हल्दी है और तड़का लगाने के लिए चना दाल, उड़द दाल, करिया पत्ती है, सूखी मिर्च है और सरसों है। ये सारी चीज़ें हैं तड़का लगाने के लिए। सबसे पहले हम दाल को धो के उसे पकने के लिए रख देंगे और इमली को जो मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था उसका गूदा निकाल लेंगे। दाल आप चाहो तो पहले से पका पकाया दाल भी ले सकते हैं, बट मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाना है इसलिए मैं ये प्रोसीजर दिखा रही हूँ। मैंने दाल को धो के इसमें 1/2 स्पून हल्दी डाल के नॉर्मल दाल के कंपैरिजन में मैं इसमें 2 विजल एक्स्ट्रा दूंगी। जब तक कि दाल पकता है हम लोग करते हैं आगे का प्रोसीजर। बना रही हूँ सांभर मसाला, उसके लिए मैंने 1/4 कप खड़ा धनिया कढ़ाई में डाला और उसको धीमी आँच पर थोड़ा भुना है, उसको निकाल लिया। फिर मैंने डाला चना दाल, उड़द दाल और ये है रहर दाल, इनको मैंने 2-2 स्पून लिया है, इनको भी मैंने भून लिया है थोड़ा ब्राउनिश, इसको भी मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब मैं डाल रही हूँ सूखा नारियल, यहाँ पे नारियल का खीस रहता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, इसको भी मैं हल्का सा भून रही हूँ, भून के इसको भी मैंने डाला मिक्सी के जार में। अब मैंने डाला खड़ा मिर्च, काली मिर्च, उनको उसमें मैंने डाला 1/4 स्पून मेथी दाना, उनको भी मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ जीरा और उसको भी थोड़ा सा भून रही हूँ, भून के अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सरसों, ये भी 1/2 स्पून है अराउंड, इसको भी मैंने थोड़ा सा भून लिया है, भून के अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हींग। हींग कंपलसरी है, हींग से ही अच्छा फ्लेवर आता है, हींग मत स्किप करना। फिर उसके बाद डाला है करिया पत्ती की स्ट्रिप्स और हल्दी डाल के, इनको अभी ज़्यादा नहीं भूनना है अदरवाइज हल्दी जल जाएगा। अब मैं इसको भून के इसको मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसे मैं फाइन पाउडर बना के एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लूँगी। सांबर मसाला बन गया है, दाल भी ठंडा हो गया, अब हमें इसे चिकना करना है। आप यहाँ पे स्पून भी यूज़ कर सकते हो, हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, दाल घुटनी भी यूज़ कर सकते हो। मैंने दाल घुटनी से इसे एकदम चिकना करके रख लिया है। अब मैं रखी हूँ एक बर्तन सांबर बनाने के लिए, जैसे ये थोड़ा गर्म हो गया मैंने इसमें अराउंड 2 स्पून ऑयल डाला है। फिर उसमें मैंने डाला है चना दाल, उसके बाद हरी मिर्च बारीक कटी, मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, यहाँ पे मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने डाला है प्याज, प्याज को मैंने चॉप नहीं किया है, क्यूब्स में कट किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, हमें प्याज को ज़्यादा भुनना नहीं है। अब मैं थोड़ा सा मिक्स करके इसमें डालने वाली हूँ ड्रम स्टिक। यहाँ पे सब्जियाँ मैंने बैंगन, मुनगा, भिंडी और लौकी लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बारी बारी से डाला है भिंडी, फिर मैंने डाला है बैगन और उसके बाद अभी मैं डाल रही हूँ लौकी। सब्जियों को डाल के हमें थोड़ा सा मिक्स करना है। आप चाहो तो सिंपल लौकी भी यूज़ कर सकते हो या भिंडी भी यूज़ कर सकते हो या सिर्फ बैगन भी यूज़ कर सकते हो या सिर्फ मुनगा भी, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सब्जियाँ ऐड करना चाहते हो, कौन सी सब्जियाँ स्किप करना चाहते हो। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला है हल्दी, हल्दी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने इसमें डाला है मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये दिखने में लाल रहता है बट तीखा नहीं रहता है। मैंने मिर्च पाउडर डाला है, मिर्च पाउडर डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, ये 3 टमाटर है, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इनको मैं थोड़ा सा पकने दूंगी, इसलिए मैं इसको आँच थोड़ा सा धीमा करके थोड़ी देर पकने के लिए रख दूंगी नमक डाल के। नमक मैंने थोड़ा सा ही अभी डाला है, बाकी मैं बाद में डालूंगी। अब नमक डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, नमक डालने से सब्जियाँ जल्दी गल जाती है। अब मैं नमक डाली हूँ, आँच थोड़ा सा मीडियम कर दूँ और ढक के मैं इसे 2-3 मिनट के लिए रहने दूंगी ताकि ये पक जाए। 4 मिनट हो गया है, 4 मिनट बाद मेरी सब्जियाँ काफ़ी अच्छे से गल गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का गूदा, ये 1 नींबू के साइज़ का है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप थोड़ा सा और डालना, अगर कम खट्टा चाहिए थोड़ा कम करना। उसके बाद मैंने इसमें गुड़ डाला है, गुड़ डालने से टेस्ट बैलेंस हो जाता है, ना ही ज़्यादा खट्टा ना ही ज़्यादा मीठा, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसको ढक दे रही हूँ
3 मिनट के लिए पकने दूंगी। 3 मिनट में इमली के पल्प में वो पक जाएगा। तब तक के मैं दाल में पानी डाल के इसे भी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। अब मैं देख रही हूँ 3 मिनट बाद ढक्कन खोल के सब्जियाँ काफ़ी अच्छे से पक गई है, इमली का पल्प भी ऑलमोस्ट पूरा सूख गया है, दाल भी गर्म हो गया है। अब मैं दाल को डाल रही हूँ सांभर मसाले के बैटर में। दाल हमें ठंडा नहीं डालना है, दाल को हमें गर्म करके ही डालना है। अगर हम ठंडा डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और चाहे आप चावल हो या सांभर हो, किसी में भी जो भी आप लिक्विड चीज़ डालोगे उसे गर्म करके ही डालना। अब मैं थोड़ा सा और पानी मिक्स करके डाल रही हूँ। यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग पतला या मोटा रख सकते हैं। अगर आप सांभर वड़ा के लिए बना रहे हो सांभर तो थोड़ा पतला रखना, इडली के लिए बना रहे हो तो नॉर्मल रखना, अगर चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा और गाढ़ा रखना। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। अब मैंने थोड़ा सा और पानी मिक्स किया। ये 1 कटोरी दाल का सांभर है। अब मैं मिक्स करके इसे ढक के बॉईल आते तक या तब तक के रखूँगी जब तक कि इसमें उबाल नहीं आएगा। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। सांभर ऑलमोस्ट पक गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी नॉर्मल है क्योंकि मैं इसको चावल के साथ खाने के लिए बना रही हूँ। अब सांभर पक गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सांभर मसाला, वही सांभर मसाला जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने भून लिया था और ग्राइंड कर लिया था। ये सांभर मसाला एक बार बनाने से 2 महीने तक चलता है। अब मैंने इसमें डाला है नमक। नमक हमने पहले भी डाला था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। नमक डाल के अब मैं इसको मिक्स करके अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तड़का अभी लगाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं लगाऊंगी तड़का, उसके लिए मैंने बर्तन रखा है। बर्तन जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने अराउंड 2 स्पून ऑयल डाला है। ऑयल जैसे गर्म हो गया मैंने उसमें डाला है सरसों। सरसों के बाद अब मैं बारी बारी से सारी चीज़ें डालूंगी। अब मैं उसमें डाल रही हूँ चना दाल, उड़द दाल, जीरा, सारी चीज़ें मिक्स हो गई है, मैंने इसको डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ करिया पत्ती। करिया पत्ती के बाद फाइनली मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। हींग से ही सांभर का फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। अब मैं इसको डाल रही हूँ सांभर में। सांभर में डाल के हमें तुरंत ढक देना है। ढक के अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डाल के मैं इसे करूँगी गार्निश। सांभर बन गया है। आप भी इसे बनाइए, ट्राई करिए और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। साथ में सांभर मसाला भी ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।